वर्ष 1600, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए। परमिशन लेने के लिए कैप्टन हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया। जहांगीर ने वर्ष 1613 में एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए परमिशन दे दी गई। देखते ही देखते अंग्रेजों ने सूरत में कंपनी तो बनाई ही, आगरा, अहमदाबाद, भरूच को व्यापार का केंद्र भी बना लिया। उधर दक्षिणी भारत में सन 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की और सेंट जॉर्ज किला बनवाया। बहुत तेजी से भारत पर अंग्रेजों का राज बढ़ता जा रहा था। औरों की तरह आए तो थे व्यापार करने, लेकिन भारत उन दिनों इतना बटा हुआ था कि इनको यहाँ राज करना आसान हो गया। एक के बाद एक ट्रेडिंग सेंटर और किलों का निर्माण करते गए। वर्ष 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष में बॉम्बे को गिरवी ले लिया। वर्ष 1690 में जॉब कॉर्नॉक ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट था जो भारत में 3 गांवों को खरीद लिया, सुतानुती, गोविंदपुर, कालीकट्टा। बाद में यही आगे चल के कलकत्ता बना। फोर्ट विलियम का नाम जॉब कॉर्नॉक ने ही रखा था जो आज भी पश्चिम बंगाल में मौजूद है। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत बंगाल से हुई। सिराजुद्दौला की पर्सनालिटी युवा और नौजवान होने के नाते, हालांकि अनुभवहीन और जल्दबाजी में नया नवाब अंग्रेजों पर अपने पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए प्रतिबंधों को लागू करना चाहते थे, जो दक्षिण भारत में अपनी सफलता के बाद अपने अधिकार का विरोध करने के लिए काफी मजबूत महसूस कर रहे थे। 23 जून 1757 पलासी के युद्ध में मिली हार ने अंग्रेजों के लिए रास्ते खोल दिए। पलासी युद्ध का सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों द्वारा 1717 के मुगल फरमान की गलत व्याख्या और उनके द्वारा दस्तक यानी कि मुक्त पास का दुरुपयोग था। दूसरा सबसे बड़ा कारण नवाब के आदेश के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हुई। बंगाल और अंततः पूरे भारत पर ब्रिटिश का राज हुआ। इस युद्ध ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और साम्राज्य का प्रमुख दावेदार बनाया। कंपनी और उसके सेवकों को बंगाल के लोगों की कीमत पर बेशुमार दौलत जमा करने को सक्षम बना दिया। भारत से ब्रिटेन में धन निकासी की शुरुआत यानी अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण इस जीत के बाद से ही शुरू हुआ। भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत 2 युद्धों से हुआ, एक सन 1757 में पलासी का युद्ध और दूसरा 1764 में बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध के जीत से अंग्रेज और ज्यादा मजबूत हो गए। अवध के नवाब को अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ा, मुगलों को बंदी बना लिया गया। पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी पॉलिटिकल पावर में आ गई। रॉबर्ट क्लाइव फोर्ट विलियम के पहले गवर्नर थे। इनके कार्यकाल में घोर अराजकता, लूटपाट, आर्थिक शोषण देखने को मिला। जब बंगाल में सूखा पड़ा तो कंपनी को चलाने के लिए अपने रानी से पैसों की डिमांड की। उसके बाद से ही लॉर्ड वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की जाती है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने यहाँ की स्थिति को देखते हुए कई बड़े रिफॉर्म किए, जैसे एबोलिशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम, ट्रेड रेगुलेशंस। भारत की राज व्यवस्था को समझने के लिए ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विविध रूपरेखा को समझना आवश्यक है। इसके लिए हमें ब्रिटिश रूल को समझना पड़ेगा जो 2 भागों में वर्गीकृत है, पहला कंपनी का शासन और दूसरा सम्राट का शासन। आपको बताते चलें कि रेगुलेशन और एक्ट में अंतर बस इतना है कि जो नियम सन 1833 से पहले बने थे उन्हें रेगुलेशन कहा गया और जो 1833 के बाद बने उन्हें एक्ट कहा गया। अब यदि हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट का, तो
अब तक जो कुछ भी आपने सुना ये तो इसकी पृष्ठभूमि थी कि रेगुलेशन एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया, उसके पीछे का कारण क्या था। अब यहां से कहानी शुरू होती है भारतीय राज व्यवस्था की। देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रोविजंस लाए गए। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया तथा पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज शामिल थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित हुआ जो कि ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, भारत में पारित नहीं हुआ, ब्रिटिश में, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी जिसकी क्वीन थी एलिजाबेथ प्रथम। इसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। गवर्नर जनरल और काउंसिल जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रख दिया गया तथा यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदू तथा मुस्लिम के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के मामले तय करें। प्रांतीय न्यायालयों यानी प्रोविंशियल कोर्ट की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ऐसा इस प्रावधान में किया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत थे। यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड रेगुलेटिंग अमेंडिंग एक्ट 1781। इसके बाद से ये जितने भी एक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा या जाना, इसके MCQs अगले वीडियोस में आएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।